हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने हर एक फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर भी करना, जो कि उसे भी पता लग सके कि जो डिस्क्राइब पेपर हैं वो किस प्रकार के आते हैं, वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, हमारा जो आज का पेपर रहेगा वो है रैनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा करें। दोस्तों, ये हमारा जो टोटल टाइम दिया जाता है वो 3 आवर और मैक्सिमम मार्क जो है 50 मार्क कैरी करता है। यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये जो है पेपर हमारा 3 सेक्शनों में बटा होता है, जिसमें ए बी और सी 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो कि पहला सेक्शन रहता है, पहले सेक्शन में अटेम्प्ट आर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। वन इन अबाउट 100 वर्ड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, यानी कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें सभी क्वेश्चन आपको करने रहेंगे मिनिमम 100 वर्ड में। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पर निम्नलिखित संक्षिप्त जो टिप्पणियाँ लिखनी रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहला है कि माइक्रो क्लाइमेट यानी कि सूक्ष्म जलवायु क्या है। इस सूक्ष्म जलवायु में आपको मिनिमम 100 शब्दों में कुछ ना कुछ यानी कि जो इसके बारे में दिया गया वो लिखना है। नेक्स्ट है एरिडिटी यानी कि सुसुप्ता क्या होती है। दोस्तों, एक तरीके जिसे हम कह सकते हैं सूखा क्या होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ड्रॉट यानी कि कृषि सूखा क्या होता है। दोस्तों, कृषि सूखा क्या होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है एंटी ट्रांसपेरेंट यानी प्रतिवाष्प उत्सर्जक क्या है, प्रतिवाष्प उत्सर्जक क्या है इस बारे में लिखना है। नेक्स्ट है अपलैंड राइस यानी कि अपलैंड राइस क्या होते हैं। दोस्तों, ये अपलैंड राइस क्या होते हैं ये इसके बाद में ये अब नंबर पॉइंट दिया गया है वो है लंबवत पलवार यानी कि वर्टिकल मल्चिंग या वर्टिकल मल्च क्या होती है। दोस्तों, उसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है कि कंटूर फार्मिंग यानी कि समोच्च खेती क्या होती है। दोस्तों, कंटूर फार्मिंग के लिखना है और उसके बाद में अलेक क्रॉपिंग। दोस्तों, बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन बी ये है शॉर्ट आंसर टाइप। तो दोस्तों, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क। यानी कि अबाउट इसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और कम से कम 3 शब्दों में लिखना होगा। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि मॉइस्चर टू रिड्यूस इन्वायर इवापोरेशन लॉस फ्रॉम सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा से बाष्पीकरण द्वारा नमी ह्रास को कम करने की विधियाँ। तो दोस्तों, क्या विधियाँ हैं इस बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन इन डिटेल ब्रॉड। दोस्तों, सूखे का विस्तार से वर्णन कीजिए यानी सूखा किस प्रकार का होता है उसका विस्तार से ही वर्णन करना है। नेक्स्ट है कि अल्टरनेट लैंड इश्यूज सिस्टम यानी कि वैकल्पिक भूमि उपयोग की पद्धतियां क्या हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपको इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से आपको कहीं 2 के आंसर देने हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी कृषि शुष्क कृषि की समस्याएं क्या हैं इस बारे में लिखना है। वैसे इसके बाद में बात करेंगे हम लोग सेक्शन सी की तरफ। दोस्तों, सेक्शन सी पे हमसे क्या पूछा गया है। सेक्शन सी है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर इस क्वेश्चन इन अबाउट 600 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 12 मार्क। यानी कि इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, मिनिमम 1 क्वेश्चन जो है हमारा वो 12 अंकों का है और 600 शब्द में उसका आंसर देना है। तो दोस्तों, ये दिया गया है क्वेश्चन, हमारे क्या दिए गए हैं ये भी देख लें। इस खंड में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न हमारा लगभग 600 शब्दों में उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है हमारा वो है 12 अंकों का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है डिफाइन वाटर शेड, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, डिस्कस डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट यानी जल संवरण की परिभाषा दीजिए, जल संवरण की अवधारणा एवं सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, जल संवरण प्रबंध की
विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, जल संभरण क्या है इसकी परिभाषा लिखो, अवधारणा लिखो तथा इसमें जो कुछ भी है वो आपको करना रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन एग्रो टेक्निक एंड इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन अंडर ड्राई लैंड कंडीशन, यानी शुष्क कृषि की अवधारणा का वर्णन कीजिए। शुष्क कृषि की दशाओं में फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु सबसे तकनीकों का उल्लेखन कीजिए। जैसे कि हमें जहाँ पर शुष्क कृषि होती है वहाँ पर मिनिमम हमें निराई जुराई निराई गुड़ाई करनी चाहिए, मल्चिंग करनी चाहिए जिससे हमारा इवेपोरेशन बहुत कम हो तथा हमें पानी की कमी तो होती है, तो दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा हमें ड्रिप इरीगेशन करना चाहिए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, 8 में दिया गया है, डिस्कस द प्रोसीजर एग्रीकल्चर एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि परिशुद्ध खेती के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए और इसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। ये भी हमारा यहाँ भी है और जो है कि नैनो टेक्नोलॉजी में भी ये क्वेश्चन, ये हमारा जो है सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नंबर है, डिफाइन वाटर हार्वेस्टिंग, डिस्कस डिफरेंट मॉइस्चराइज कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन अंडर रेनफेड एग्रीकल्चर, यानी कि जल संग्रहण की परिभाषा दीजिए, वर्षाधीन खेतों में फसल उत्पादन बढ़ाने की विभिन्न नवीन संरक्षण तकनीकों का वर्णन करना है। तो गाइस, यहाँ तक ही हमारा आज का पेपर पूरा हुआ और इसके बाद में हम लोग मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।